ट्रेन का सफर भला किसे पसंद नहीं होता, लेकिन दुनिया में ऐसे ट्रेन के ट्रैक्स मौजूद है जहां लोग यात्रा पर नहीं जाना चाहते। कहा जाता है इन ट्रैक्स पर यात्रा करने के लिए जाने वालों का कलेजा फौलाद का होना चाहिए। हम खोज कर लाए हैं इसी तरह के 9 ट्रेन ट्रैक्स। नंबर 1 पर है डेविल्स नोज इक्वाडोर। इंडीज पर्वतमाला में अलाउसी और सिम्बाब्वे के बीच 12 किलोमीटर लंबा यह रेल ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक सफर में से एक है। यह स्थान समुद्र तल से करीब 9000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इंजीनियरिंग की एक बेहतरीन मिसाइल भी है। इस ट्रैक को बनाया गया था वर्ष 1902 में। कहा जाता है कि इसके निर्माण के दौरान सैकड़ों मजदूरों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसे डेविल्स नोज यानी कि शैतान की नाक वाली ट्रेन भी कहा जाता है। नंबर 2 पर है ट्रेन अल्स न्यूप्स अर्जेंटीना। समुद्र तल से करीब 4220 मीटर ऊंचाई पर बना ये ट्रेन ट्रैक वर्ष 1948 में बनकर तैयार हो गया था। इसे बनाने में 27 साल का समय लगा। इस रूट पर ट्रेन 21 सुरंग और 13 पुलों को पार करती है जो इस यात्रा को रोमांचक बनाती है। इसे ट्रेन ऑफ क्लाउड्स भी कहा जाता है। नंबर 3 पर है ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये रेल लाइन रूस की राजधानी मॉस्को से सुदूर पूर्व में जापान सागर के तट से जोड़ती है। इस रेलवे लाइन का निर्माण 1929 से 1980 तक चला। ये ट्रेन मैदानों, बर्फ से ढके पर्वतों से लेकर दुनिया के सबसे विशाल जंगलों से गुजरती है। रास्ते में नदियों पर विशाल पुल भी पड़ते हैं। इन्हें देख यात्रियों की सांसें थम जाती है। नंबर 4 पर है नेपियर गिस्बोन रेलवे न्यूजीलैंड। ये रेलवे ट्रैक गिस्बोन एयरपोर्ट के मुख्य रनवे से होकर गुजरती है जो आपका दिल दहलाने के लिए काफी है। इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य 1872 से 1981 तक चला। ये रेलवे ट्रैक नेपियर से पालमर्सटन के बीच है। ट्रेनों को इस रनवे से गुजरने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से अनुमति लेनी होती है क्योंकि ये ट्रेनें सीधा एयरपोर्ट से गुजरती है। और टोल्टेक सिग्नल रेल ट्रैक न्यू मैक्सिको। अमेरिका के न्यू मैक्सिको प्रांत की ये रेलवे लाइन बहुत पुरानी है। ये अमेरिका की सबसे ऊंचे रेल लाइन में से एक है। यह खतरनाक रेलवे ट्रैक करीब 80 किलोमीटर लंबा है। इसका निर्माण 1880 में हुआ था। अधिक ऊंचाई होने के चलते इस रेलवे रूट पर ट्रेनों को आज भी कोयले और भाप इंजन से चलाते हैं। नंबर 7 पर आता है जॉर्जटाउन लूप रेल रूट अमेरिका। अमेरिका के कोलोराडो में यह रेलवे ट्रैक सिर्फ 7.2 किलोमीटर का है, पर यह खतरनाक रेलवे रूटों में से एक है। यह ट्रैक पूरा नोरा गेज पर बना हुआ है। इस रूट पर 640 फुट की चढ़ी खड़ाई है। दो पहाड़ियों से लेकर यह ट्रैक गुजरता है। इस ट्रैक का निर्माण 1877 में किया गया था। इसके पुलों और तीखे मोड़ों पर ट्रेन बहुत सी धीरे चलती है। ऊंचाई से गुजरती हुई ट्रेन बेहद ही खतरनाक होती है। नंबर 8 पर है व्हाइट पास अलास्का अमेरिका। यह रेल ट्रैक करीब 180 किलोमीटर लंबा है। विश्व युद्ध के समय इस ट्रैक ने अहम भूमिका निभाई थी। एक तरफ चट्टान और दूसरी तरफ गहरी खाई। यहां से ट्रेन गुजरते समय पर्यटक भी डर जाते हैं। नंबर 9 पर है लैंडवासर विडक्ट स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का लैंडवासर विडक्ट ट्रेल रेलवे ब्रिज लैंडवासर नदी पर बना है। खास बात यह है कि ट्रेन ब्रिज के बाद सीधे टनल यानी सुरंग में प्रवेश कर जाती है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 9200 मीटर है। इस रूट की लंबाई करीब 65 किलोमीटर है। पहाड़, घने जंगलों और नदी इस सफर को काफी डरावना बना देते हैं।